सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी नाप लेने की, जिसमें मैंने सिंपल सूट का तरीका बताया था किस तरीके से नाप लिया जाता है। तो उसमें काफी कॉमेंट आए थे जिसमें हमसे पूछा गया था कि ब्लाउज का नाप लेना भी हमें बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज का नाप लेने सिखाऊंगा। तो ब्लाउज का नाप लेने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ लेनी होती है। लेंथ किस तरीके से नापते हैं? लेंथ हम यहाँ पे हमारा शोल्डर होता है, इस तरीके से कंधे का बिल्कुल सेंटर करते हैं और यहां से हम इंच टेप इस प्रकार से रखेंगे। और लेंथ हम यहाँ पे देखेंगे जहां पे कमर आती है। ज्यादातर क्या होता है कि ब्लाउज का ग्राहक जो होते हैं या किसी का भी जिसका ब्लाउज बनता है, वो बोलते हैं नीचा कर दो, लेकिन ब्लाउज अपनी जगह ही रुकता है। अगर आप उसकी लेंथ ज्यादा रखोगे तो वो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे सलवटें पड़ जाएंगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने नाप लेना है। नाप हमारा बिल्कुल जो लेंथ होगी कमर पे होनी चाहिए, कमर से ना नीचे और ना ही ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे इनकी 15 इंच लेंथ आ रही है, यहाँ पे मैं थोड़ा नजदीक से दिखाना चाहूंगा आपको। इस तरीके से आपने ये 15 इंच हमारी यहाँ पे तैयार लेंथ आ रही है, जो कमर के बिल्कुल यहाँ पे होगी सेंटर में। इस प्रकार से आपने लेंथ लेनी है। लेंथ जैसे हमारी 15 इंच तैयार हो जाती है, अब रह जाता है हमारा ब्रेस्ट का नाप। इसके बाद हम ब्रेस्ट का नाप लेंगे। ब्रेस्ट का नाप लेने के लिए हम इस तरीके से ब्रेस्ट की सेंटर, जो ब्रेस्ट का सेंटर होता है, वहां पे इस प्रकार इंची टेप रखेंगे और यहाँ से हल्का सा टाइट रखते हुए, तो यहाँ पे जैसे हमारा जो इंची टेप आएगा यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पे 34.5 34.5 इंच हमारी यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप होगा। इस तरीके से आपने ब्रेस्ट का नाप लेना है। अब ब्रेस्ट के नाप के लिए, नाप के बाद आपने क्या करना होता है, ऊपर से प्लेटों का भी नाप लेना होता है कि हमें प्लेटें कहाँ पे डालनी है। प्लेटें जहाँ पे हमारा कंधे का सेंटर होता है, यहाँ से हम ब्रेस्ट का बिल्कुल सेंटर करते हुए प्लेट के लिए एक नाप लेंगे। जो लेंथ यहाँ पे लेंगे हम, ये जैसे 10 इंच आ रही है, तो हमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी जब हम प्लेटें डालते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि प्लेटों के बारे में पूछा जाता है कि प्लेटें हम कहाँ पे डालें, लेकिन प्लेटें सबसे आसान सा तरीका यही है कि आप यहाँ पे ब्रेस्ट का नाप ले लो, जहाँ पे ब्रेस्ट का सेंटर है। तो यहाँ से आपने, जैसे ये 10 इंच है तो 10 इंच पे आपने एक लिख लेना है कि 10 इंच पे ही हमें प्लेटें डालनी है। तो दोस्तों, ये इसके बाद ब्रेस्ट का नाप भी हो गया हमारा और प्लेट का भी हो गया। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप जब लेते हैं ब्लाउज का, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे जहां तक हमने लेंथ ली है। इसके बाद हम इस प्रकार से हल्का टाइट रखेंगे कमर को, इस तरीके से यहाँ पे। इस प्रकार हम कमर का नाप लेते हैं 28.5, 28.5 इंच हमारा कमर का नाप होगा। तो ये हमारा कमर का नाप भी कंप्लीट हो गया है। अब रह जाता है हमारा गला और शोल्डर। यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमें गला कितना रखना है। इस तरीके से हम साइड में रखेंगे यहाँ पे इंच टेप, और यहां से देखेंगे जैसे यहाँ पे गला, ज्यादातर क्या होता है पूछा जाता है कि आप कितना डीप पहनते हो। अगर ग्राहक नहीं बता पाते, जैसे कई बोल देते हैं कि आप अपने हिसाब से रखो, तो यहाँ पे जो इनका नाप आएगा 7.5 आएगा फ्रंट का 7.5 रखेंगे यहाँ पे। और अब लेंगे हम बैक साइड का नाप। बैक साइड के नाप के लिए जैसे मैंने साइड से यहाँ पे रखा था, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें पूछना होता है कि ग्राहक से ही पूछना होता है कि हमें आप डीप कितना डालते हो, जैसे 8 इंच या 9 इंच या 5 इंच 6 इंच, वो खुद ही बता देंगे कि हम डीप डालते हैं या कम डालते हैं। तो इस तरीके से आपने, जैसे बैक का मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया है, तो 9 इंच जब हम गला लेते हैं तो हमारा शोल्डर मेन चीज होती है कि हमें यहाँ पे शोल्डर का नाप कितना रखना है। मैं 9 इंच के हिसाब से आपको शोल्डर का नाप बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम शोल्डर का नाप लेंगे 9 इंच के हिसाब से यहाँ पे। तो शोल्डर जो होता है तकरीबन 12.5 से 13 इंच है यहाँ पे इनका, और जब हम कटिंग करेंगे 9 इंच के हिसाब से, यहाँ पे 11.5 इंच की कटिंग होगी, 11.5 इंच की कटिंग होगी, और 11 इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर तैयार आएगा। शोल्डर क्या होगा, जब डीप गला होता है तो फैल जाता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, जैसे हम 9 इंच का यहाँ पे गला डीप रखते हैं, तो ब्रेस्ट में आपने कोई भी लूजिंग नहीं देनी है।
ब्रेस्ट में आपने कोई भी लूजिंग नहीं देनी है, सिर्फ आपने क्या करना है 34 1/2 हमारा ब्रेस्ट का नाप है, तो उसका चौथाई हिस्सा आपने करके ब्लाउज की कटिंग कर देनी है, कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। अगर गला हमारा यहाँ पे छोटा हो जाता है जैसे 6 या 6.5 इंच, तो आपने 1 इंच की लूजिंग ब्लाउज के अंदर देनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे 11.5 इंच यहाँ पे शोल्डर की कटिंग करनी है, जो तैयार हमारा 11 इंच आ जाएगा। अब रह जाती है हमारी बाजू की नाप। बाजू की नाप के लिए यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, जहां तक शोल्डर होते हैं यहाँ पे देखेंगे लेंथ, जितनी भी हमें लेंथ रखनी होती है, जैसे यहाँ पे 5.5 इंच या 6 इंच या 7 इंच, वो पूछा जाता है ग्राहक से कि आप कितनी बाजू डालते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 5 इंच रख रहा हूँ, तो 5 इंच के हिसाब से यहाँ पे हम एक यहाँ पे देख लेते हैं हमारी 5 इंच कहाँ तक आती है। इस प्रकार से ऐसे जैसे यहाँ से 5 इंच आती है, तो यहीं पे हम इस तरीके से इंची टेप नीचे से निकालते हुए इस प्रकार से एक फिंगर अंदर की साइड रखेंगे, क्योंकि एक फिंगर इसलिए रखते हैं अंदर की साइड, जितना हमें अंदर की साइड मार्जिन रखना होता है उसकी जो मोटाई होती है एक फिंगर की होती है। तो यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से टाइट करते हुए तो हमारी ये 12 इंच बाजू की ओपनिंग तैयार होगी। 5 इंच लंबाई होगी और 12 इंच ओपनिंग होगी। अब मैं बताऊंगा आपको आरमोल का। आरमोल जब हमें नापना होता है यहाँ पे इस प्रकार से नापना है, यहाँ पे इंची टेप रखेंगे इस तरीके से और हल्का सा यहाँ पे इस प्रकार से टाइट करते हुए इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आरमोल आ रहा है 16.5 इंच आ रहा है। तो 16.5 इंच जब हमारा आरमोल आता है, तो जो हमें कटिंग यहाँ पे करनी है, 16.5 इंच हमारा आर्म होल आया है यहाँ पे ना इंची टेप से इस तरीके से। फिर दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से, यहाँ पे जो हमारा आर्म होल आ रहा है 16 1/2 तैयार आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जो आर्म होल की कटिंग करनी है, जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें 5.25 इंच रखना है आर्म होल का साइज। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा अच्छी तरीके से नाप आपको समझाया है। अब मैं आपको पेपर पे एक समझाता हूँ कितना मैंने नाप लिया है और कहाँ पे कितनी हमें लूजिंग देनी होती है। तो दोस्तों नाप लेना, जैसे मैंने आपको बताया है किस तरीके से नाप लेते हैं, तो नाप हमारा ये तैयार है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको अब बताऊंगा कि हमें आरमोल यहाँ पे कितना कटिंग करना है और कितना कहाँ पे हमें प्लेट डालनी होती है। प्लेट का, आरमोल का और शोल्डर का, यही 3 चीज मेन होती है ब्लाउज में। जैसे लंबाई हमने 15 इंच यहाँ पे तैयार रखनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, नीचे की साइड एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं और ऊपर की साइड हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, मेरा कहने का मतलब है हम लेंथ जो कटिंग करेंगे यहाँ पे 15.5 इंच की तैयार करेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड मार्जिन आ जाता है और नीचे की साइड हम एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते ही छोड़ते हैं जब हम ब्लाउज कटिंग करते हैं। अब आ जाता है नाप ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का हम जो चौथाई हिस्सा करेंगे तो ये 9.25 इंच बनेगा हमारा, 9.25 इंच। हमें यहाँ पे कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। लूजिंग क्यों नहीं देनी है? लूजिंग हमने इसलिए नहीं देनी है क्योंकि जो हमारा बैक साइड का गला है 9 इंच है वो। अगर 9 इंच हमारा गला होता है, जैसे डीप गला हो जाता है, 9 से ऊपर जितना भी आएगा, 9, 9.5 या 10 इंच या 11 इंच, तो आपने लूजिंग कोई नहीं देनी है। सिर्फ आपने जितना ब्रेस्ट का नाप होता है उसका चौथाई हिस्सा करके यहाँ पे तैयार निशान लगाना है इस प्रकार का। तो ये हमारा ब्रेस्ट का नाप हो गया। कमर हमारी जितनी होती है, जैसे 28 साढ़े 28 इंच है, तो हमारी यहाँ पे पूरी तैयार रहेगी कमर। कमर में आपने कोई भी लूजिंग नहीं देनी होती है किसी भी साइज में। अब हो जाता है दोस्तों, अब आ जाता है हमारा आरमोल, कि हमें आरमोल यहाँ पे कितना कटिंग करना है। जो ये लेंथ है हमारी, जो ब्रेस्ट है और गला है, दो चीजों का मेन होता है आरमोल की कटिंग में, कि हमें आरमोल यहाँ पे कितना कटिंग करना है। और वैसे मैंने यहाँ पे आरमोल का भी आपको साइज लेके दिखाया, तो हमारा 16.5 इंच आरमोल का साइज था। तो जहाँ जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे आरमोल की यहाँ पे लेंथ कितनी रखते हैं, ये वाली लेंथ इतनी यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ पे हमें 5.25 इंच रखनी है। 5.25 इंच आरमोल की लेंथ रखनी है, आपने 6 इंच भी नहीं करनी है। 5.25 इंच के हिसाब से जब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा बिल्कुल सही आएगा। अब आ जाती है हमारी प्लेटें। प्लेटों का नाप मैंने यहाँ पे ऊपर से शोल्डर के साथ से यहाँ पे इस तरीके से एक लेंथ ली थी, तो आपने क्या करना है उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। जैसे 10 इंच हमारा नाप था ब्रेस्ट के सेंटर का, आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा करते हुए यहाँ पे एक सेंटर का निशान लगा लेना है और यहीं से आपने इस तरीके से प्लेटें डालनी है।
जो सेंटर वाली एक ये प्लेट होती है हमारी और एक ये प्लेट होती है। जो प्लेटें होती हैं ये आपने इस तरीके से डालनी है, जो ऊपर से 10.5 इंच पे आपने निशान लगाना है, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये सेम कटिंग होती है जैसे मैंने बताई है, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी, मेरा ये मानना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।